थाना कोतवाली के वाल्मीकि बस्ती चुराना मोहल्ला में दो दिन पूर्व पुरानी रंजिश के चलते जानवरों को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें संजय 35 वर्ष के गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया। देर शाम कल उपचार के दौरान संजय की मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और सबके आने के इंतजार करने लगे। देर शाम मथुरा घर पहुंचे सबको देखकर परिजन बिलबिला उठे और रोड को जाम लगाने की कोशिश की गई, परंतु सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और झगड़े की आशंका को देखते हुए भाली पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते 8 से 10 नामजद लोगों ने मेरे भाई पर हमला बोल दिया और हमले में घायल कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। उपचार के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो गई, परंतु आरोपी खुलेआम घूम रहे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सबको रोड पर रखकर मुआवजे की मांग की जा रही। वहीं जब इस घटना के बारे में सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि स्थिति नियंत्रण में है, अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई, जल्द ही आरोपी को पकड़कर सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आपका जी तो क्या मामला हो गया था सर? ये काफ़ी पुरानी रंजिश चल रही है इनसे। अभी कुछ दिनों पहले इनसे कोई जानवर चोरी की FIR लिखाई है इनके नाम पे। ये राही नामा बनाने का दबाव दे रहे थे बड़े भैया पे बहुत दिनों से, तो राजीनामा ना करने के चक्कर में इन्होंने हमारे भाई को अकेला जेल से परचेता मंचों से मारा था। अब क्या हो गया, मौत हो गई उनकी? हाँ, उनकी मौत हो गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, 24 घंटे हो गए। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी क्या मांग है, हमारे जो भी नामजद आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और हमारे भाई विकलांग थे उनकी जो भी DM से द्वारा आर्थिक सहायता होती है वो उनको दिलाई जाए, और उनके छोटे छोटे 5 बच्चे उनकी मदद करी जाए, और हमको आगे के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए कि हमारे जान माल की रक्षा करी जाए। थाना क्षेत्र कोतवाली के चौकी भरतपुर क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि बस्ती में 8:45 की रात्रि में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा एक विकलांग व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल परिस्थितियों के अनुसार मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, लेकिन ये अत्यंत ही दुखद बात है कि बीती रात जो चोटिल जो मजरूह व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई, तो पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों से तहरीर लेते हुए जो आवश्यक सुसंगत धाराएं हैं वो बढ़ाई गई और गिरफ्तारी के लिए कुल 5 टीमें लगा दी गई हैं, और परिजनों का भी ये कहना था कि इसमें यथाशीघ्र जितने भी दोषी हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, अभी हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पूरी आशा है कि अभी रात में ही हम लोग जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें। अभी तक सबको नहीं उठाया गया, परिजनों का क्या कहना? परिजनों का ये कहना था कि अभी तक किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इस संबंध में उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम आज रात्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करना सुनिश्चित करेंगे।